रूपांतर। एक दिस यीशु ने तेना तीन चेला पितर याकूब अने योहानला तेने हारी लीना त्या प्रार्थना करूला साठी ऊंचे डोंगर वर गया। जदवा यीशु प्रार्थना करी रहनेल तब तेना चेहरा दिसने जैसा उजेड़ वाला हुई गया, तेना कपड़ा उजेड़ने जैसा धवला हुई गया, जैसा धरती वर कोनी करी सक तेने करता भी वधारे धवला। तहा मूसा अन एलिया देव सहुन बोलनार प्रगट होना या गोह या धरती वर ये समय पासून खूब शंबर वर्ष पूड़ रहता। तेही यीशु ने मरण ने बारा मा गोट करी कहा का तो लेगज यरूशलेम मा मरी जाई। जदो मूसा अन एलिया यीशु हारी गोठी कर हता तहा पितर ने यीशुला सांगा आपले साठी अठ रहूला बेसहा आपले तीन मांडवा सहला बनू, एक तुने साठी एक मुसाने साठी अन एक एलियाने साठी। पण पितरला माहित नहीं होता का तो काय सांगी रहना। जदो पितर गोट कर होता तो एक उजळा ढग खाला इने त्याला ढाकी दिना। मागून तेही ढग मासून एक आवाजला येता आयक नाथ तेनी सांगा यो माना पोसा आहा तेला मा माया करहा मा तेने कन खुश आहा। तेना ऐका त्या तिनी चेला बिही गेत अन जमीनवर पड़ी गेत। तहा यीशुने त्याला हात लावा अन सांगा बिहा नको उठी जा। जदो तेही चारी चुंबू थेरा तो जो भी तठ होता तो फक्त यीशु होता। यीशु अन ते तिनी चेला ते डोंगर वर हुन परत खाल उतरी आना। तहा यीशुने त्याला सांगा आता जी अट होईना तेनी चर्चा कोना हारी नको करशाल, मा थोड़ा समय मा मरी जाईन अन मागून जीता हुई जाईन तेने मागून तुम्ही लोका सहला सांगी सकता हा।